हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। तो गाइस, जो भी ये पहला टैंक वाला बंदा था ना, भी प्लेन वाली आरपी वाला बंदा, तो भाई इसने ओपनली मिलिट्री बेस पे उतरने की चैलेंज दी थी। भाई मतलब मेरा सिंपल सा प्लान था कि भाई पोचिंग के जाऊंगा और सबके फाड़ के रख दूंगा। तो भाई जैसे इसने चैलेंज दिया ना भाई, मेरी आत्मा मारी सट के भाई। तो देखो यार, पहले जो भी बंदा मिलता है, देखो उसको कैसे पहलते हैं। भाई जैसे ही मैंने इसको पहला ना भाई, मैंने इसके दूसरे बंदे को ढूंढना शुरू कर दिया भाई। मतलब गूगल मैप पे सर्च किया तो भाई गूगल बाबा कहीं भी सच बता देते हैं यार। बेंचोद गूगल बाबा कभी भी झूठ नहीं बोलते, ठीक है भाई। तो देखो यार, गूगल बाबा बोलते हैं पीछे से फ्लैंक मार के जाओ, तुमको बंदा उधर पर मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो देखो यार, गूगल बाबा की आवाज़ सच निकलती है। तो देखो यार, फ्लैंक करने का नतीजा क्या होता है। भाई जैसे ही मैंने इसके बंदे को नॉब कंप्लीट कर दिया ना भाई, तो ऑलमोस्ट 1 HP भाई। तो देखो यार, मैं मारता किसको हूँ देखो भाई, पहले देख लो भाई ये नॉक। तो देखो भाई, दूसरा टीममेट भाई बेंचोद, चैलेंज करने से पहले ना भाई सोच लिया कर, ठीक है बेंचोद भाई। हम इनको हैरी नहीं पुकारेंगे, ठीक है भाई। इनका नाम बाबूराव गणपतराव आपटे होगा भाई, ठीक है। अरे बाबूराव, सोच लिया करो यार कभी, ठीक है। सस्ते नशे करके किसी को भी चैलेंज मत दिया करो, ठीक है। पन्नी वन्नी फूक के 1.5 रुपये वाले सस्ते नशे करके ये आपके असर होंगे, ठीक है भाई। बेंचोद, नेक्स्ट टाइम चैलेंज करने से पहले देख लो किससे पंगा ले रहे हो, ठीक है। तो भाई जैसे ही मिलिट्री से गड्डी उठाता हूँ मैं वीरू पाजी की, तो भाई उठाते हैं हम बग्गी, तो भाई निकलते हैं हम ड्रॉप की तरफ। तो भाई देखो यार, ड्रॉप पे कितनी भसड़ मची रहती है। तो भाई वॉइस तो आ गया था मुझे, मैंने हेडफोन पहने थे। तो भाई देखो यार, इधर पे बग्गी लगाई पीछे पार्किंग पे। तो भाई देखो यार, कैसे मारते हैं अभी इनको। भाई ऑलमोस्ट यार, ऑलमोस्ट 1 HP यार, और एक स्प्रे दे देता भाई तो गिर जाता। उतने में पीछे से आते हैं ये दो सस्ते नशे करके भाई। मतलब भाई देख लिया करो यार, कभी भी एक राउंड मारो यार। मतलब इतने सस्ते नशे कौन से करके आ जाते हो भाई, सामने दिखे नहीं। चलो यार, बोल सकते नहीं यार अभी इनको कुछ। तो भाई जैसे मैंने एक को नॉक किया ना भाई, इधर पे खड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है भाई। उठाई हाथ में बैरल और निकले सामने। तो भाई इनके मजे ले लेके मारता हूँ यार बेंचोद, ठीक है भाई। बस इनके गेम प्ले देखो भाई, इनका गेम प्ले देखो। जब तक मैं यहाँ पे आता हूँ ना भाई, मतलब मैंने बगी ठोक के गड्ढे पे गिरा के उठा के आए तक भाई, मतलब 1 मिनट तो लग गए होंगे यार। 1 मिनट में क्या भसड़ मचा रखते हैं पता नहीं था यार। देखो यार, बस इनका गेम प्ले देखो। भाई इनके मजे ले लेके मर रहा था यार, माँ कसम। ये कौन से पन्नी के फूक रहे थे भाई पता नहीं, झाड़ के पीछे बैठ के कुछ हिला रहा था भाई पता नहीं यार। तो भाई देख लो यार, गेम प्ले देखो यार बस। भाई जैसे ही ये भाई, ऐसे कौन जाता है यार ओपन में, बेंचोद ऐसे ओपन में कौन जाता है भाई। भाई मेरी आता मजी तब चट के भाई जब इसने मेरे पे ग्रेनेड किया। तो भाई सिंपल सा लॉजिक है भाई, अभी नहीं छोड़ेंगे, मचो देंगे तुम्हारे पास, देखो गेम प्ले भाई। इसके एक बंदे को पूरा खाया। तो भाई देखो यार, तो भाई जैसे ही मैंने इनको मारा ना भाई, मेरे को अंदाजा हुआ था कि इससे पहले जो मैंने गड्डी पे स्प्रे किया था ना भाई वजह पे, तो भाई वो शायद हॉस्पिटल के आसपास ही रखी होगी। तो भाई देख लो यार, इधर पे नेट मेरा बहुत इशू हो रहा था। तो भाई देखो यार, सही पिन ना होने का नतीजा क्या होता है। तो बेंचोद हो गया काम तमाम भाई। ऐसे कैसे यार, मतलब लास्ट मोमेंट पे मेरा नेटवर्क कैसे ऐसे माचो देता है पता नहीं भाई। तो भाई घर से भीख मांगी और उठा यार वाईफाई। तो भाई वाईफाई कनेक्शन होने से निकलते हैं पोचंकी पे आ जाते हैं, ठीक है भाई। जैसे ही पोचिंग के पे आते हैं, तो भाई पूरा प्लान था, पूरा फुल मूड था कि भसड़ मचा दो, माचो तो सब कुछ कर दो। तो भाई
आते हम भी थोड़े से श्राउड बन जाते हैं भाई। देखो यार पिस्तौल से पहलने लगते बेंजोद हम भी। तो भाई जैसे इसको नॉक किया तो वैसे अंदर फुल किल भी कर दिया भाई, फुल फिनिश। तो भाई पीछे आ जाता हूँ मैं फ्लैंक करके। तो भाई ये भी बॉट मिलता है भाई। भाई ये कौन से सस्ते नशे करके इतनी ओपन में आ रहा था पता नहीं भाई। इसीलिए बोलते हैं यार एयरफोन पहन लो, ठीक है। एयरफोन पहन लोगे क्या जाता है भाई एयरफोन पहनने से? कुछ नहीं जाता भाई। एयरफोन पहनो और टपा टप टपा टप टपा टप भाई आवाज़ सुनो यार, ठीक है भाई। मेरे पास से जाती है गड्डी। तो भाई सिंपल सा लॉजिक है यार, डियो वर्सेस सोलो खेल रहा हूँ मैं सोलो और डियो पे डाल के पुश कर रहा हूँ। तो भाई सामने बाट आता है तो इसको फुल किल। तो भाई आगे जाके गड्डी रुकती है और मुझको 100% पता था कि वो रुकेगी। जैसे मैंने फ्री फायर दे के खड़ा किया देखा तो भाई मेरी फटके चार भाई, ये बंदे फाइट देने के टक्कर गए हैं। थोड़ा प्लान डाल के खेलते हैं इनको, ठीक है भाई। मतलब इतने चूतिए बंदे थे ना भाई। बस देखो यार आगे का गेम पड़ी भाई मेरे को, ठीक है। लोकेशन दो का भी मालूम हो गया तो भाई ये पता था वो लेफ्ट साइड से मेरे को फ्लैंक करेगा। और देखो भाई एक नॉक, अब सवाल पैदा नहीं होता भाई इधर पे बैठने का। पुश कर दो, ठीक है भाई। इनको इतने इजी तरीके से मारता हूँ ना भाई। बस देखो यार जिसने भी ये ग्रेनेड देखा होगा ना भाई सब्सक्राइब कर दो भाई। बस बोल दो यार ये ग्रेनेड से दो किल होते हैं या नहीं होते भिंचोद भाई। हो गए तो लाइक कर दो यार, ठीक है भाई। हो गए भाई। नीचे टाइटल में नाम आता है आई हैव किल्ड कोरोना वायरस। भाई मैंने इंडिया से कोरोना वायरस का नाम मिटा दिया है भाई, ठीक है। अभी तुम टेंशन मत लो, बाहर आज़ादी से फिरो और बोलना कि ट्विस्ट डेल्टा ने बोला आई हैव किल्ड कोरोना वायरस। तो भाई कोरोना वायरस मरने के बाद जिंदा कैसे होता है ये आप पुलिस वाले के पास जवाब दे दो यार। बस मैंने अपने टाइटल में लिख दिया आई हैव किल्ड कोरोना वायरस। तो भाई आपसे बस इतनी बकचोदी करनी है और ज़्यादा कुछ नहीं। भाई जैसे थोड़े से बॉट की किल होते ना भाई, तो देखो यार ये हेडशॉट देखो भाई। भाई ये कैसे बच गया यार पता नहीं था लेवल 3 का हेलमेट होगा भाई। तो दूसरा शॉट जिसे ने भी देखा होगा ना भाई बस सब्सक्राइब कर दो यार, और कुछ नहीं चाहिए भाई। मतलब भाई कंटेंट बनाता हूँ यार और इससे अच्छे भी पोस्ट होंगे आगे जाके भाई। अभी छोटे मोटे गेम प्ले हैं भाई, इसी से मजा लो और हिलाओ भाई। हिलाने की तो नहीं है ये, बस गेम प्ले देखो यार और कुछ नहीं। भाई बच गए यार, पता नहीं यार कैसे बच गया यार। इसलिए और एक टीम भाई रिवाइंड करके देख रहा हूँ यार भाई कैसे बच गया यार। मतलब मेरा पिन ही शो था क्या भाई? तो भाई दूसरी टीम नॉक करते यार सवाल पैदा नहीं होता भाई खंडे का मेरा भाई। मतलब पुश कर दो यार, चाहे वो कितना भी टाइम हो वो रिवाइव हो गए होंगे या फिर मेरे पे पुश करेंगे भाई, सवाल नहीं होता। मैंने लगाई रेड बुल ड्रिंक। तो भाई निकालते हैं बसंती की गड्डी और निकलते हैं इनकी तरफ। तो भाई गड्डी उठाई मैंने, तो भाई निकला मैं 400 की स्पीड पे बहन चोद। तो भाई देखो यार जिस किसी ने भी ये भाई बोल दो यार, वीडियो पोस्ट करके बोल दो कि मैं ये दो लोगों को मार पाऊंगा या नहीं, बस बोल दो यार भाई। बस गेम देख लो यार, ये तुम देखो बहन चोद कैसे फाड़ के रख देता हूँ भाई। बस देखो यार भाई एक नॉक। तो भाई दूसरे पे मैं बिल्कुल एमो वेस्ट नहीं करना चाहता था भाई बेंच, ठीक है भाई। ये जिसे फ्री फायर दे रहा था ना भाई, मतलब मेरे को कुछ समझ नहीं आया, घंटा फर्क नहीं पड़ा भाई मेरे को। तो भाई इतने ओपन भाई ये देख के क्यों नहीं खेलते यार, मेरे को ये पता नहीं आता, ठीक है भाई। देख के खेल लो यार कभी कभी। भाई जैसे लास्ट जोन आता है ना भाई मेरे फटके चार, मैं अकेला हूँ भाई और अलाइव। मेरे अपोनेंट्स 5 भाई, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। एक पड़ती है भाई पीछे से सरप्राइजर से आर्म का फायर भाई, मेरी फटके चार हुई भाई। मतलब भाई इतना अच्छा फ्लैंक करता हूँ ना भाई,
भाई वो सामने वाले कंफ्यूज हो जाते हैं यार, बस मेरे पैनिक होने की वजह से यार पूरा गेम प्ले बर्बाद हो जाता है वेंचर। भाई ये गलती मत करो यार, पैनिक मत हो, मेरी सजेशन है फाइट लेनी है तो बहन छोत सिंगम बन जाओ भाई, ठीक है सिंगम बन जाओ, घुस जाओ छप्पड़ फाड़ दो, हिंदुस्तानी भाव को याद करो, टप्पा टप टप्पा टप गाना मुंह में डाल लो भाई, घुस जाओ पिंचो जो होगा देखा जाएगा, घुस जाओ भाई ठीक है, बिल्कुल पैनिक मत होना भाई, बस ये पबजी के अंदर ये इंपॉर्टेंट है भाई, मतलब तुम पैनिक नहीं होगे ना बिंचो, सामने वाले स्क्वाड को तुम इतनी आराम से फेल सकते हो ना भाई, मतलब वो गांड खुजाते रह जाएगा भाई, मतलब इसने कैसे 1v4 कर दिया, 1v3 कर दिया, 1v2 कर दिया भाई, ताली मारेगा यार वो बाद में, फिर टप्पा टप टप्पा टप टप्पा टप भाई, बस मेरी इधर पे हारने की वजह बस मेरी पैनिक है, ठीक है भाई मेरी हारने की वजह बस मेरा पैनिक होता है और कुछ नहीं बहन चोत, भाई मैं चाहता तो तभी भी मार सकता था यार इसको, बस भाई बोल रहा हूँ ना भाई पैनिक हो गया था भाई, मैं क्या करूँ भाई, अब ये चिकन डिनर हो जाएगा तो कंटेंट अच्छा बन सकेगा, तो भाई मैंने कंटेंट क्या लिए ये वीडियो नहीं डाली है, बस आपसे कुछ सीखने या फिर सिखाने के लिए वीडियो डाल दी है, बस बिल्कुल पैनिक नहीं होना गेम प्ले पे, बस इतनी सजेस्ट करूँगा मैं, अगर पैनिक हो गया तो बैलेंस ख़राब होएगा, अभी आप जो प्लान जो बना रहते हैं ना दिमाग पे भाई वो पूरा बेंचो सब पानी में मिलेगा, तो भाई इसीलिए देखो यार पैनिक मत हो ना, 1v4 आराम से कर सकते हो, 1v3 कर सकते हो, 1v2 आराम से कर सकते हो, बस पैनिक नहीं होना चाहिए भाई, अपने गेम प्ले पे फिंगर्स परफेक्ट रखना और बेंचो घुस जाओ भाई, जो होगा देखा जाएगा घुस जाओ, ठीक है भाई। तो भाई देखो यार अपनी पेटी कैसी बनती है बेंजो, मैं सस्टेनशिप कर बैठा था बेंजो होगा, तो गाइज आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तब तक के लिए टेक केयर, शेयर सब्सक्राइब।